ठीक ही बोला है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे पलटी कुमारी भारत ने नहीं देखा है। आज इंडिया अलायंस का अलायंस पार्टनर बनी, आज पटना बेंगलोर कहीं कहीं जाकर सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी के साथ बैठ के मीटिंग किए, और जब सीट शेयरिंग का बात आया पश्चिम बंगाल में तब वो पलटी मार दी कि नहीं हम दो सीट के ज़्यादा नहीं देंगे। तो पहले भी वो वही किए हैं। आज शारदा का जब स्कैम हुआ उसके बाद 550 करोड़ का एक फंड इकट्ठा किया गया था कि जो जिसका पैसा चोरी हुआ था उसको दिया जाएगा उस फैमिली को, लेकिन वो पैसा भी नहीं मिला और हमारा ही पैसा फिर से चोरी हो गया। तो ये मुख्यमंत्री जो है बार बार वो पलटी मारती है, उनको वो जो बोलती है वो उनका वो विश्वास करने का एकदम लायक ही नहीं है। प्रधानमंत्री बोला है कांग्रेस वामपंथी एंड नक्सलवाद का खप्पड़ में गिरा है, राजस्थान में परिवारवाद और दुर्नीति के उन्मादना प्रचार करके देश को फंका करने चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सही बोले हैं, क्योंकि आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी बोले थे कि जो एसेट है भारत के आज लोगों का जो एसेट है उसको उसके ऊपर सबसे ज्यादा हक है मुसलमान लोगों का, माइनॉरिटी का। तो आज जो पार्टी तोषण बात करते हैं वोट बैंक के लिए उसी का पेट से जन्मा है तृणमूल कांग्रेस। बंगाल में हम लोग देख रहे हैं तोषणबाज किसको बोला जा रहा है। ओबीसी कैटेगरी में मुसलमान लोगों को 90% मुसलमान लोगों को घुसा दिया गया है, और जो भी आज हक जो आम आदमी का है, गरीबों का है पश्चिम बंगाल का, उसको वो हक नहीं देकर आज रोहिंगा को घुसाया जा रहा है, बांग्लादेश से रोहिंगा आ रहे हैं। और ये यहाँ पर भी वही तोषणबाद का ये चल रहा है। 30% के लिए जो वोट बैंक राजनीति ममता बनर्जी करते हैं, जिसके लिए शेख शाहजहां जैसे गुंडा लोग जो लोग रोहिंगा को घुसाते हैं पश्चिम बंगाल में, उसका समर्थन करते हैं हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लेकिन जो बंगाल के हिंदू माँ बहन जिसके ऊपर अत्याचार होता है, जिहादी लोग शेख शाहजहां जैसे गुंडा अत्याचार करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते। तो जैसा कांग्रेस तोषणबाद का राजनीति करते हैं, ठीक वैसा ही ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में वही कर रहे हैं। ममता बनर्जी हर बार बोला है कि जब पश्चिम बंगाल के एनआरसी सीए और एनसीसी नहीं कर दीजिए, कल राजनाथ सिंह बोला है कि जब ममता बनर्जी बोलता है कि जो सीए एनआरसी बंगाल में करना नहीं देंगे, बंगाल से ममता बनर्जी जल्दी ही जा रहा है, सीए बंगाल में बीजेपी ला रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान का संख्या लोगों को हम नागरिकत्व देंगे। ममता बनर्जी हर बार लोगों को विभ्रांत करने का कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली हमारे जो मुसलमान भाई बहन है उसको विभ्रांत करने का, कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भारत का सरकार एनआरसी ला रहे हैं और एनआरसी लाकर आप लोग को वितरित किया जाएगा, लेकिन एनआरसी के बाद तो कोई नहीं बोला है। तो ममता बनर्जी आप ये झूठ बात क्यों बोल रहे हैं? सीए का बात बोला गया है और सीए में नागरिकत्व देने का आईन है, ये किसी को पश्चिम बंगाल या भारत से विताड़ित करने का आईन नहीं है। तो आप 13 बरस काम नहीं किए हैं बंगाल के लोगों के लिए, और आप इलेक्शन का पहले आप असत्य बोलकर मिथ्या बोलकर आप उनका मन को कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे, ये हम पक्का से विरोध करते हैं, 100% विरोध करते हैं। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार गठन करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि किसके इतने दाम है संदेश खाली जैसे इंसिडेंट फिर से करें। राजनाथ सिंह किता बंगाल बीजेपी क्षमता इले कल क्षमता आज आबार संदेश खाली बीजेपी क्षमता इले। राजनाथ सिंह जी सही बात बोले, क्योंकि आप देखिए हमारा जो जो बीजेपी शासित राज्य है, आज राजस्थान जित इतना दिन कांग्रेस सरकार था और अभी कुछ ही महीनों पहले भाजपा का सरकार आया है, जब कांग्रेस का सरकार था राजस्थान में तब रोज महिला के ऊपर अत्याचार होता था, तो उसका कोई विचार नहीं होता था, उसका कोई न्याय नहीं होता था। और आज
जब भाजपा आया है तो एक घटना आप नहीं सुन सकेंगे कि महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है। वैसा ही आज टीएमसी सरकार है पश्चिम बंगाल में और हम लोग संदेश खाली जैसे इंसिडेंट हम लोग देख रहे हैं। कितना शर्मिंदगी की बात है। और वही हमारे राजनाथ सिंह जी बोले हैं कि भाजपा का सरकार आएगा 26 में और उसके बाद से ये संदेश खाली जैसा घटना, ये पाकशीट जैसा घटना, ये हाशखाली जैसा घटना कभी नहीं देख पाएंगे। सुनीता केजरीवाल पे बोला है, केजरीवाल को पवार की आकांक्षा नहीं है, वो सिर्फ देश की सेवा करने चाहते हैं। जेल की ताला खुलेंगे, अरविंद हेमंत सोरेन छूटेंगे। देखिए आज केजरीवाल जी के जो पत्नी है वो भी तो आज ये दुर्नीति में, दुर्नीति की आरोप उनके ऊपर भी लगा हुआ है, क्योंकि आज केजरीवाल जी जो दुर्नीति का विरोध में थे आज वो दुर्नीति का फेस हो गए, दुर्नीति का मुंह हो गए। और उसका बंगलों में, उनका घर में करोड़ों रुपया का जो खर्चा हुआ है, आज टाइल्स बोलिए, आज पर्दा बोलिए, आज झाल लंठन बोलिए, ये सब कौन करवाए? खड़ी होकर केजरीवाल जी की पत्नी करवाए हैं और ये सारे वहाँ का आधिकारिक लोग बोले हैं। आज केजरीवाल लोग, केजरीवाल जेल के अंदर जाके वो सिंपति कार्ड खेलने का कोशिश कर रहे हैं कि उनका तबीयत खराब है ये बोलकर, लेकिन हमारे पास तो खबर है कि वो उनका जो खाने का मना है वो इतना आम खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और वो अपना तबीयत का एक्सक्यूज देकर वो बेल ले सके। तो ऐसा नहीं होगा केजरीवाल जी और केजरीवाल जी के पत्नी। आप लोग जितना भी नाटक करने का कोशिश करें, आप इंडिया अलायंस का जो पार्टनर लोग है अभी दुर्नीति का मुंह है। आज एक बहुत शर्मिंदगी की दिन है, हम लोग बहुत शर्मिंदा है कि आज पश्चिम बंगाल जो कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए जाना जाता है, जो स्वामी विवेकानंद के लिए जाना जाता है, जो इस मेदिनीपुर का जिसका हम प्रार्थी है भाजपा के, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए जाना जाता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जाना जाता है, आज उस बंगाल में 25,000 के ऊपर, 25 लाख के ऊपर आज चाकरी प्रार्थी, उनका चाकरी माने उनका नौकरी बर्खास्त कर दिया ऑनरेबल हाईकोर्ट। इसका दाय किस, कौन कौन लेगा? इसका दाय पूरा पूरी मुख्यमंत्री का है, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी का मुख्यमंत्री, टीएमसी का सुप्रीमो, उनको सब कुछ मालूम था। आज जिसका जिसका नौकरी बर्खास्त हुआ है, जो लोग टीएमसी का नेता कर्मी मंत्री को घूस देकर उनको ये नौकरी मिला, 2016 का जो पैनल कैंसिल हुआ, हम उनको बोलेंगे आप लोग का जितना दिन का वेतन है, सैलरी है, सूद समेत आपको वापस करना पड़ेगा। आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे आपका टीएमसी का लीडर से जिसको आप लोग घूस दिए थे? जाके उनका घर घेराव करिए, उनको बोलिए पैसा वापस देना पड़ेगा जिससे आप लोग घूस दिया है, उनका नाम में थाना में एफआईआर करिए। और ममता बनर्जी को आप पकड़ नहीं सकते, ममता बनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है हमारा मेदिनीपुर में, उनका टीएमसी का प्रार्थी जहाँ जहाँ है उनको घेराव कीजिए, उनको बोलिए क्यों हमारा नौकरी जाएगा, पैसा दिए है ना, तो आप नौकरी क्यों गए है इसका उत्तर पूछिए।